ये देखें भाई, ये बछड़ी भी देखें और ये बछड़ी भी देखें भाई, माशाल्लाह ये होता है। ये देखें यार खूबसूरती देखें, बछड़ी चेक करें आप, बताएं बछड़ी कैसी लग रही है भाई। माशाल्लाह इस वक्त जो महंगाई के हालात हैं, हर बंदा जो है बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहा है, उस हिसाब से हम 25,000 रुपये महीने में बछिया पाल के देंगे। आप लोगों को जैसे मालूम है कि कल हम लोग गए हुए थे बाईपास मंडी, तो भाई वहाँ से हमने कुछ जानवर लिए थे, वो आज आ गए हैं यहाँ पे ना कराची के अंदर, तो उनकी अनलोडिंग हो रही है। मैं यहीं पे था तो मैंने सोचा कि जो आपको दिखाऊं। ये देखिए भाई माशाल्लाह से आज जो है ना जानवर यहाँ आ चुके हैं कराची के अंदर, मेमन गोट के अंदर। इंशाल्लाह ये अभी उतरते हैं तो आपको जो है इसका इंट्रो देता हूँ मैं। अच्छा आपको एक बात बताना चाहूँगा कि भाई माशाल्लाह से ये जो है ना शिकार मार रहे हैं, यकीन करें ये बछड़ियाँ एक तरह से शिकार ही करी हैं भाई। माशाल्लाह से बहुत अच्छे रेटों में मिली है। हाँ मेहनत करनी पड़ी, ढूंढना पड़ा, बंदों तक पहुँचना पड़ा, लेकिन भाई यकीन करें माशाल्लाह से मेहनत वसूल हो गई है। अभी ये बछड़ियाँ उतरती हैं तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ फार्म पे अच्छे तरीके, इन बछड़ियों को आपको रिव्यू देता हूँ भाई, फिर आप बताइए कि माशाल्लाह कि वाकई में कि हमने सही परचेजिंग की है या नहीं की है। तो भाई ये अनलोडिंग इनकी शुरू हो गई है, माशाल्लाह से बछड़ी चेक करें आप, बताएँ बछड़ी कैसी लग रही है भाई। माशाल्लाह से खीरी है दांतों के अंदर, खूबसूरत चीज़ है भाई। और अच्छी बात ये है कि जो है ना ये इंशाल्लाह आप लोगों को सीज़न के आखिरी में नॉर्मल रेट पे मिलेगी भाई। और अगर अभी भी आप इनको परचेज़ करके या पलाई करना चाहते हैं तो भाई इसके रेट में काउंट करवा दूंगा, यकीन करें बहुत मुनासिब सौदा है। बहुत सोनी बछड़ी हैं, पिंक नोज के अंदर हैं माशाल्लाह से भाई। और ये कम रेंज की बछड़ियाँ भाई, आप लोग कहते हो ना कि अच्छी रेंज का सौदा दिखाओ जिसके अंदर हम पलाई कर सकें और अपना शौक कर सकें, ये उस तरह की बछड़ियाँ हैं भाई। और आपने पता, आपको पता है कि इनको ढूँढने में और इनको कराची तक पहुंचाने में कितनी मेहनत हुई है यार। अभी बछड़ी उतरती है, एक एक का आपको रिव्यू दिखाता हूं भाई, देता हूं मैं। ये देखिए भाई माशाल्लाह से बछड़ी भी चेक करें, सारा माल जो है ना भाई माशाल्लाह से पिंक नोज के अंदर है और खूबसूरत माल है भाई। ये चेक करें, ये बच्ची भी चेक करें भाई, देखिए भाई माशाल्लाह और उतरती हैं। ये देखें भाई माशाल्लाह से, ये बछड़ी को भी देखें, ये भी जो है ना पिंक नोस में, ये इतनी पिंक नोस नहीं है लेकिन माशाल्लाह नाफे की झालर की बड़ी अच्छी बछड़ी है भाई, खीरी बछड़ी है। माशाल्लाह से फेस चेक करें इसका, ये देखें भाई माशाल्लाह मीट वेट के अंदर भाई ये अभी भी जो है ना 70 किलो 80 किलो के करीब है ना, और ये काफ़ी बनेगी। आप यहाँ पर ग्रोथ देखिएगा फार्म के ऊपर किस तरह की ग्रोथ कर रही है, आहिस्ता आहिस्ता इनकी जो प्रोग्रेस भी आपको दिखाता रहूँगा भाई। ये तकरीबन जो है ना 6 बछड़ियाँ और 2 मेंढे ये परचेज़ किए थे भाई हमने हैदराबाद से ना, तो ये आ चुके हैं यहाँ पे माशाल्लाह से, आप चेक कर सकते हैं। ये देखें भाई, ये बछड़ी भी देखें और ये बछड़ी भी देखें भाई, माशाल्लाह ये होता है। ये देखें यार खूबसूरती देखें, माशाल्लाह से अच्छी बछड़ियाँ हैं। अच्छा मुजफ्फर भाई पहले एक बात बताओ, हैदराबाद गए थे मेहनत वसूल हुई आपकी? बिल्कुल भाई हुई, मतलब एहसान है अल्लाह ताला का, शुक्र है कि जो सोच के गए थे वो चीज़ें मिल गई हमें। अच्छा अब ये बताओ कि सौदा घाटे का तो नहीं हुआ, फ़ायदे का हुआ? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है ना भाई, अल्लाह का शुक्र है, फ़ायदे का सौदा हुआ। मेहनत करनी पड़ी नो डाउट, गलियों गलियों में घूमना पड़ा लेकिन मेहनत वसूल हो गई। बिल्कुल ऐसा ही भाई, तो ये मेहनत वसूल हो गई है इंशाल्लाह जो है ना। अभी तो इस माल का पूरा रिव्यू मैं आपको नहीं दूंगा, माल काफ़ी है ना, क्योंकि मालों के सिंगे वगैरह बनी हुई हैं। इंशाल्लाह आगे जाके आपको शौक कराऊंगा, और यकीन करें ये जो है ना आवाम को शौक करवा रहे हैं खरीफ सिर्फ ना। उमर भाई हमारा केबीसी कैटल फार्म का मोटिव यही है कि हर बंदा जो है बासानी शौक पूरा कर सके। मैं भी यही बता रहा था कि मुजफ्फर भाई मैंने आपके रेट देखे, आपकी परचेजिंग देखी, आप सिर्फ आवाम को जो है ना शौक करवा रहे हैं। इंशाल्लाह आगे जाके जो है ना मैं इनके तमाम को एक चीज़ आपके वीडियो के तवसल से बताना चाहूँगा व्यूवर्स को, अपने शौकीन भाइयों को, कि हम पलाई सर्विस भी कर रहे हैं और बछिया की पलाई पूरे कराची में। इस वक्त जो महंगाई के हालात हैं, हर बंदा जो है बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहा है, उस हिसाब से हम 25,000 रुपये महीने में बछिया पाल के देंगे। माशाल्लाह 25,000 रुपये महीने में बछिया पाल के देंगे। यार आपने पलाई की बात छेड़ी है ना तो मैं पूरी डिटेल लूँगा। अब ये बताओ 25,000 के अंदर आप क्या क्या जो है ना प्रोवाइड कर रहे हो आवाम को, शौकीनों को, ये बताएं। 25,000 में जो इनका 2 टाइम का वंडा है जिसमें चना अट्टी है, छिलका है, दलिया है, टुकड़े हैं, भूसा है, कुत्तर है, ये सारी चीज़ें, चौकर है, ये सारी चीज़ें कंप्लीट। अच्छा तो वैक्सीनेशन इसमें इंक्लूड है, इसके साथ जो अपना घी है, तेल है, ये इसमें इंक्लूड है या नहीं है? ये सीजनेबल है ना, मतलब कि जैसे आगे जाके घी चलाएगा तो मतलब ये चीजें इसमें शामिल है, बिल्कुल, जैसे कि तेल है, घी है, चिकना हुए। ये जानवर जो है ये किसी बंदे का हमारे पास है और ये सिर्फ हमें 25,000 रुपये तो दे रहा है, बाकी हम अपने जानवरों को दें और उसको नहीं दें, तो ये ज्यादती है, एक बेजुबान जानवर के साथ ज्यादती है। ऐसा हम कभी भी नहीं करेंगे, बल्कि हम तो चाहते हैं कि जो लोग कम रेंज में पलवाना चाहते हैं माल या जिनकी गुंजाइश नहीं है और शौक़ रखते हैं वो हमारे पास आए, हम उनका साथ देंगे। तो भाई माशाल्लाह से आपने मुजफ्फर भाई की बात सुन ली है,
इंशाल्लाह यार मैं वाकई बता रहा हूँ कि केबीसी फार्म जो है ना शौकीनों को बहुत कम रेंज के अंदर शौक करवाने वाला है भाई। और फार्म के अंदर भाई बछड़ियाँ ऐसी हैं, तमाम पिंग नोज की कलेक्शन जो है ना इस वक्त जमा हो रही है, मैं आपको इस वक्त दिखा नहीं सकता क्योंकि बछड़ियों की सिंगें बनी हुई हैं, अच्छा नहीं लगेगा। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट टाइम जो है ना इन सब का जो है रिव्यू दूंगा आपको और इन सब की जो है ना ग्रोथ चेक कराऊंगा। तो भाई उम्मीद है आपको आज की ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।